सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं, साधन पाद, और इसमें सबसे पहले क्रिया योग से हमने शुरू किया इस पाद को। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्यों करें हम क्रिया योग? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेशों को हमें तनु करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लेश ही हैं जो हमारे को पद पद पे कष्ट देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्थान, दूसरी परिस्थिति ये हमें दुखी नहीं करती हैं। हमारे अपने अंदर के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो क्लेश हैं, उसके कारण ही सारे दुख हैं जीवन में। और हमारा अविद्या के कारण उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, ये अपने आप में भी एक अविद्या है ये, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा किधर जाता है? बाहर जाता है हमारा ध्यान। इस व्यक्ति के कारण यहाँ पर मुझे कष्ट है, तो हम चाहते हैं इस व्यक्ति से किसी तरह अलग हो जाएं, या तो ये व्यक्ति यहाँ से निकल के चला जाए, या तो हम इस व्यक्ति से दूर हो जाएं कहीं। इस स्थान पे रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे को दुख देते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं यहाँ पर, साधना में मेरी सहायता नहीं करते यहाँ के लोग। तो मैं किसी ऐसे स्थान पर जाऊँ जहाँ पर बहुत सारे साधक हों। अब ये हमें पता नहीं है कि कहीं ऐसे झुंड थोड़ी बैठा है साधकों का। तो हम अपनी अविद्या के कारण ही बाहर के दूसरे लोगों को या स्थान को या वस्तुओं को निमित्त मानते हैं अपने दुख का, जबकि अपने दुख का कारण क्या है? अपने क्लेश ही हैं। तो ऋषियों ने कहा कि भाई आप अपने क्लेशों को नष्ट करें तो आप सुखी हो सकते हैं। और क्लेश कौन से हैं जो हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं? कौन से हैं वो क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हैं पांच क्लेश। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि हमें पता लग गया कि हमारे दुखों का कारण है क्लेश, और ये क्लेश जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक सुख हमें मिलेगा नहीं। तो वो नष्ट कैसे हूँ अविद्यादि क्लेश? तो कहा ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्माहा, वो जो क्लेश हैं वो या तो सूक्ष्म किए जाएं उनको स्थूल से, और या तो फिर प्रति प्रसव। प्रति प्रसव मतलब चित्त अपने उसी मूल कारण में लीन हो, क्योंकि सारे दोष कहाँ रहते हैं? क्लेश चित्त में। और चित्त का ही यदि प्रति प्रसव हो जाए तो ये दोष क्या हो जाएंगे? हेयाहा, नष्ट हो जाएंगे फिर। तो हाँ, इसका तरीका यह है ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्मा, पहले उनको सूक्ष्म करें। बहुत ज़्यादा यदि व्यक्ति में उद्विग्नता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष है, तो पहले उसको थोड़ा सूक्ष्म करें, तीव्रता से नीचे लाए उसको। और फिर भी संस्कार तो है ही। अगला स्टेप है कि उसका प्रति प्रसव कैसे हो वो उपाय करें, चित्त का ही प्रति प्रसव हो जाए वो उपाय करें। ये है शाश्वत सुखी होने का रास्ता, सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए सुखी होने का ये रास्ता है। और जो हम दुखी हो रहे हैं इसका कारण क्या है? क्लेश मूलह कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। हमारे पास एक ऐसा कर्माशय है, एक ऐसा गठर हम सब लेकर के चल रहे हैं जो अनंत अनंत जन्मों में हमने इकट्ठा किया है, कमाया है कर्माशय, क्लेश मूलह, क्योंकि क्लेश उसके मूल में है। क्लेशों से युक्त होकर के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन दोषों से, क्लेशों से युक्त होकर के हमने उस कर्माशय को कमाया है।
और वो कर्माशय ऐसा है, कुछ दृष्ट जन्म वेदनीय है, कुछ अदृष्ट जन्म वेदनीय है। दृष्ट जन्म माने इस वर्तमान जन्म में, कुछ तो इस जन्म में अनुभव करने के योग्य है, वेदनीय माने अनुभवनीय, और कुछ ऐसा है जिसने अभी फल देना शुरू नहीं किया है, वो अगले जन्म में अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो आज ये हमारी स्थिति है। तो क्योंकि जैसे ये हम सबके लिए ही बहुत, मनुष्य मात्र के लिए ये बहुत अहम दृष्ट्या विचार करने का विषय है ये। तो आज हमारी जो स्थिति है, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, तो कुछ जीवन में सुख हैं, कुछ दुख हैं, उसके पीछे क्लेश मूलक हमारा कर्माशय है। और अब हमें पता लग गया है तो अगला टारगेट हमारा क्या है, इस कर्माशय को हम नष्ट करें और हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें, जिसके हम अधिकारी हैं और जिसके लिए हमें चांस मिल गया है और जिसके लिए हमें साधन भी मिल गया है, शरीर भी मिल गया, जान भी मिल गया। तो हमारे आदरणीय भाई राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, तो इनकी बहुत रुचि है इस विषय में, कर्म फल व्यवस्था वाले विषय में। तो आज क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे तो इसलिए मैंने कहा था, मैंने कभी आप भी कक्षा में बैठ लेना। तो ये हर व्यक्ति के ही विचार करने योग्य टॉपिक है ये। ये केवल सिलेबस के लिए नहीं है कि भाई जिसके सिलेबस में है वो पढ़ें, ऐसा नहीं है ये। ये तो हम सब की एक हकीकत है और इस हकीकत को हम आंख बंद करके नज़रअंदाज करेंगे तो ये नुकसान किसी और का नहीं, हमारा ही होने वाला है। तो पहले हम इसके ऊपर चिंतन मनन करें, गंभीरता से करें, अपने विवेक से करें और फिर इसको हटाने के लिए उपाय भी करें। तो इसमें हमने 13 नंबर सूत्र तक पढ़ लिया था, क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, इस दृष्ट जन्म में या अदृष्ट जन्मों में अनुभवनीय वेदनीय जो हमारे सुख दुख आदि हैं उसका कारण है क्लेश मूलक कर्माशय। इसलिए पहले तो क्लेशों को हटाना पड़ेगा और फिर वो जो कर्माशय उसको भी नष्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सती मूले, उस मूल के रहने पर, मूल मतलब अविद्या मूलक कर्माशय, वो जब तक रहेगा, जड़ जब तक है जमीन में, अंकुर फूटते ही रहेंगे उसमें से, आप ऊपर से कितने भी बार काट दो किसी पेड़ को, पर जड़ जब तक बनी हुई है अगली ऋतु में फिर वो हरा हो जाएगा। तो हमारे दुखों का जड़ है ये क्लेश, ये जब तक हमारे अंदर हैं, कितने भी स्थान बदल लें, कितने भी व्यक्ति बदल लें, कितने भी जप तप तीर्थ कर लें, कितने भी हवन कर लें, कुछ भी कर लें, थोड़ी देर के लिए वो दबेंगे लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा उन जड़ों से फिर कोंपलें फूटेंगी। तो इसलिए शाश्वत उपाय है उस जड़ को उखाड़ना। तो इन्होंने कहा सती मूले तद विपाक, उस मूल के होते हुए अविद्या मूलक कर्माशय जब तक विद्यमान है तो उसका विपाक होता ही रहेगा, कोंपलें फूटती रहेंगी। और वो विपाक मिलता है तीन रूपों में, जाति, आयु और भोग। जन्म मिलता रहेगा जैसा कर्माशय है, कभी मनुष्य का जन्म मिलेगा, कभी किसी पशु पक्षी का मिलेगा या वृक्ष का मिलेगा, वो सब डिपेंड करता है हमारे कर्माशय के ऊपर। और उस जाति के अकॉर्डिंग ही उसकी आयु होगी और वैसे ही उसके भोग होंगे, संसाधन होंगे, जो कुछ जीवन में मिल रहा है वो सब उसके कारण है। तो यहाँ इन्होंने एक संवाद करते हुए, जिज्ञासा करते हुए ये प्रश्न उठाया कि भाई ये जो हमारा जन्म होता है ये कौन से कर्म का फल है? किसी एक कर्म का फल है एक जन्म, या अनेक कर्मों का फल है, या अनेक कर्म मिलके एक जन्म देते हैं, या एक एक कर्म मिलके एक एक जन्म देते हैं? ऐसे दो तीन इन्होंने धारणाएं रखी। तो लास्ट में जो निकल करके आया, उन सब चिंतन मन से मंथन करके जो निकल के आया, वो ये निकल के आया कि अनेक कर्म मिल करके एक जन्म के लिए निमित्त बनते हैं। बहुत सारा कर्माशय है, उसमें से कुछ कर्माशय जो विपाक को प्राप्त हो गया कि अब वो फल देने के लिए तैयार है, उन उन सारे कर्माशयों को या उन कर्मों को इकट्ठा करके
उसके अनुसार अब कैसा जाति मिलेगी, कैसी कितनी उसकी आयु होगी, कैसे उसको भोग मिलेंगे, ये सब तय कर देता है हमारा कर्माशय, और उसके अनुसार हमारा ये जन्म हो गया, एक जन्म हो गया। तो अब इन्होंने इस बात के ऊपर ये बात की थी, तो मैं ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्र प्रधानोपसर्जनी भावेन अवस्थितः प्रायण अभिव्यक्तः एक प्रघटेन मिलित्वा मरणं प्रसाध्यं सम्मूर्छितः एकमेव जन्म करोति। तस्मात् इसलिए जन्म प्रायणांतरे जन्म और मृत्यु के बीच में कृतः किए हुए पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचयः पुण्य या अपुण्य कर्माशय का जो एक ढेर है, समूह है, विचित्र है, जो कि विचित्र प्रकार का है। हर व्यक्ति ने कुछ पुण्य किए होते हैं, कुछ पाप किए होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम बहुत सारी त्रुटियां कर देते हैं अनजाने में ही, सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार हम हिंसा कर देते हैं, कितनी बार असत्य का पालन कर लेते हैं, कितनी बार असंयमी हो जाते हैं, तो ये हमें पता भी नहीं चलता है, और कुछ हम पुण्य भी कर लेते हैं। तो ये हमारा कर्माशय का प्रचय कैसा है, विचित्र है, विचित्र प्रकार का है। प्रधान उपसर्जनी भावेन अवस्थित, और उसमें से कुछ प्रधान रूप से और कुछ तो गौण रूप से अवस्थित है। कुछ तो तीव्र घोर कर्म करते हैं, घोर पुण्य करेंगे तो प्रधान पुण्य का कर्माशय, और घोर पाप करेंगे तो प्रधान पाप का कर्माशय। माने घोर रूप से जो किया जाता है तपस्या, तप करते हैं या तो दोष करते हैं, दोनों में से कुछ भी करते हैं, तो वो कर्माशय हमारा प्रधान हो जाता है। मानो आप सुबह से शाम तक विद्या अध्ययन करते हैं बहुत तीव्रता के साथ, तो कर्माशय कैसा बनेगा प्रीतम जी? तो सुबह से शाम तक यदि विद्या पढ़ते रहेंगे तो कैसा कर्माशय बनेगा? क्लिष्ट अक्लिष्ट में मत जाओ ना, विद्या की प्रधानता वाला बनेगा ना, सीधी सी बात है। अब विद्या पढ़ते हुए आप खाना भी खा रहे हो, सो भी रहे हो, कपड़े भी पहन रहे हो, कर्म तो और भी बहुत सारे हो रहे हैं, पर प्रधानता किसकी रहेगी? अध्ययन की। ऐसे ही कोई व्यक्ति मानो बिजनेस व्यापार कर रहा है, तो प्रधानता किसकी रहेगी? बिजनेस व्यापार की। तो कुछ कर्म हम दिन भर में करते हैं मुख्य रूप से, तो वो प्रधान कर्माशय हो गया हमारा। कुछ करते हैं गौण रूप से, अब करने को तो ब्रश भी करते हैं सुबह सुबह उठ के, लेकिन वो गौण कर्म है, प्रधान कर्म नहीं है वो। अभी हम बैठे भी हैं, तो बैठना भी तो एक क्रिया है ना, लेकिन बैठना तो गौण है और पढ़ना मुख्य है। तो ऐसे हम दिन भर में कुछ गौण कर्म करते हैं, कुछ तो मुख्य कर्म करते हैं। तो ये कह रहे हैं वैसा ही हमारा कर्माशय बनता है, प्रधान उपसर्जनी भावेन अवस्थित, और ये सारा बनता रहता है प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन, और ये सारा मिलकर के प्रायणाभिव्यक्त मृत्यु के समय अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे वो फिल्म चलाते हैं ना, तो 3 घंटे में सब सामने आ जाता है, तो ऐसे कहते हैं मरने वाले के सामने जीवन भर में उसने जो कुछ किया ना, वो प्रायण के समय एकदम ऐसे आंखों के सामने आ जाता है कि तूने बचपन से लेकर आज तक कितने पुण्य कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, कितने लोगों की सेवा की, कितने लोगों की हिंसा की, कितने लोगों के गले काटे, कितने लोगों को दान दिया, सब आ जाता है व्यक्ति के सामने। तो यदि किसी के जीवन में पुण्यों की प्रधानता रही है तो बड़े शकुन से शरीर का त्याग करता है शांत भाव से, और यदि जीवन में बहुत त्रुटियां रही हैं, दोष रहे हैं, तो बड़ा कष्ट होता है फिर जीवन छोड़ते समय, क्योंकि वो सारा सामने आता है। ये तो खो दिया, तूने पता ही नहीं चला, बातों ही बातों में बीती रहे उमरिया, ये तो बीत गई, ये तो चलने का टाइम है, तुझे तो अकेले जाना है। जिन लोगों के लिए तू इतना सारा करता रहा, झूठ सच बोलता रहा, ये तो सारे यहीं रह जा रहे हैं, और इस महायात्रा पे तुझे तो अकेले ही जाना पड़ रहा है, फिर उसको बड़ा कष्ट होता है। तो कह रहे हैं ये जो गौण और प्रधान रूप से जो हम कर्म करते हैं, विचित्र प्रकार का जो हमारा ये कर्माशय है, पाप पुण्यों का जो ढेर है, गट्ठर है, प्रायणाभिव्यक्त प्रायण के समय अभिव्यक्त हो जाता है एक प्रघटकेन मिलित्वा। ऐसे समझो कि एक गट्ठर के रूप में, जैसे छोटी छोटी लकड़ियों को बांध के एक गट्ठर बन जाता है, ऐसे छोटे छोटे सारे कर्मों को मिला करके और एक पूरे
समूह के रूप में हमारे सामने आता है, प्रगट के रूप में, मिलित्वा मरणम प्रसाध्य, तो ये मृत्यु को हमारे सामने ला देता है। सम्मूर्छितः एकम एव जन्म करोति, और ये एकाकार होकर के, सम्मूर्छित मतलब एकाकार, ये पूरा का पूरा कर्माशय एकाकार होकर के एक जन्म करवा देता है, माने हमें किसी अगले एक जन्म में ले जाता है कि भाई आपने ये कर्म किए थे तो प्रधान रूप से आपके पुण्य ज्यादा रहे और गौण रूप से पाप थोड़े कम रहे, तो चलो आपको एक अच्छे इंसान का जन्म मिल जाएगा। और यदि तो कहें भाई आपके तो पाप बहुत ज्यादा रहे इस जन्म में, पुण्य तो कभी इक्का दुक्का किया आपने, बहुत प्रमाद का जीवन जिया, तो आपका जीवन ये है कि अब आप वृक्ष बन जाओ या अब आप शेर बन जाओ, तो ऐसे ये निर्णय करते हैं पूरा प्रगट एक मिल करके। एकम एव जन्म करोति तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, और ये जो जन्म है तेनैव कर्मणा, इसी कर्माशय से जिससे ये जन्म मिला है उसी के अकॉर्डिंग लब्धायुष्कम भवति, आयु भी वैसी ही मिलेगी, मानो मनुष्य का जीवन करवा दिया इस कर्माशय ने, तो आयु भी लगभग 100, 125, 150 साल की मिलेगी। और इस कर्माशय ने यदि कुत्ते बिल्ली का जन्म करवा दिया तो फिर आयु भी 20-25 साल की मिलेगी, 30 साल की मिलेगी, तो लब्धायुष्कम भवति तस्मिन् आयुषि, और उस जन्म और आयु में तेनैव कर्मणा भोग संपद्यते, उसी कर्माशय के अनुसार उसको भोग मिलेंगे, सुख दुख के साधन मिलेंगे। यदि वो पुण्य प्रधान वाला कर्माशय रहा है तो इस व्यक्ति को खूब ऐश्वर्य, सुख, साधन, शांति, ये सब मिलेगा। और यदि वो उसमें क्लेशों की अधिकता रही है तो व्यक्ति जीवन भर अशांत रहेगा, अभावों में रहेगा, तो वो ऐसे ही भोग मिलेंगे उसको। असौ कर्माशयो जन्मायु भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयते, तो इस प्रकार से ये जो कर्माशय है, जीवन भर किए हुए कर्मों का, पाप पुण्यों का ये जो एक प्रघट है, ये हमारी जन्म आयु और भोग का हेतु है। इसलिए जिसको अच्छा जन्म चाहिए, लंबी आयु चाहिए, अच्छे भोग के संसाधन चाहिए, तो फिर उसको जीवन भर पुण्य आदि कर्म ज़्यादा करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, और हर दिन उसको सुबह उठ करके ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए हर दिन की, कि भगवान जी आज के दिन में पुण्यों की राशि खूब बढ़े और पाप नज़दीक भी ना आए, तो ऐसे शुरुआत करेंगे तभी तो एक एक दिन मिला करके तो सारा जीवन बनता है ना, तो एक एक दिन को संवारना पड़ेगा, और एक पूरे दिन को संवारने के लिए एक एक घंटे को संवारना पड़ेगा, और एक घंटे को अच्छा बनाने के लिए एक एक मिनट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट भी गलत काम हो गया तो घंटा खराब हो ही गया ना फिर, तो इसलिए इन्हीं का ही सूत्र है महर्षि पतंजलि जी का, क्षण तत क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम, एक एक क्षण में संयम करने से व्यक्ति को विवेक पैदा हो जाता है, क्योंकि प्रति पल जो व्यक्ति संयम पूर्वक अपने जीवन को, अपने चित्त को आगे बढ़ाएगा तो विवेक हो ही जाएगा उसको, तो यही एक तरीका है। तो कहा अतः एक भविकः कर्माशय उक्त, तो इस कर्माशय को क्या कहा, एक भविक, एक भविक मतलब एक जन्म और उस जन्म के अनुसार आयु और भोग देने वाला, बहुत सारे कर्मों को मिला के एक कर्माशय मिला बना, ये कर्माशय एक जन्म का हेतु बनता है, तो ये सिद्धांत निकल के आया। दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारम्भी भोग हेतुत्वात्। अब ये तो बात हो गई मरण के समय में जो कर्माशय सामने आया उसकी, वो तो हो गया एक जन्म देने वाला, उस जन्म में मिलने वाले आयु और भोग देने वाला। अब किसी व्यक्ति ने जीते जी ही बहुत घोर पुण्य कमा लिए मानो, तो ये जो कर्माशय बन गया, क्योंकि जितना घोर कर्माशय होगा उतनी जल्दी वो विपाक को प्राप्त होगा, फल देगा, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, तो इसने इतने सारे पुण्य कमा लिए तो ये तो तुरंत फल देना चाहते हैं ना, फिर विपाक को प्राप्त हो गए, तो ये भी तो एक कर्माशय बना पुण्यों का, तो ये कर्माशय क्या फल देगा दृष्ट जन्म में, दृष्ट माने वर्तमान जन्म में, एक ही देगा, भोग दे सकता है वो, क्योंकि जाति और आयु तो पहले मिल चुके हैं, अब हम कितना भी कर्म पुण्य कर्म कर लें
तो हम मनुष्य ही तो रहेंगे, शरीर तो बदल नहीं सकता है, और मनुष्य की ही आयु भी रहेगी, भोग बदल जाएंगे। लेकिन पहले यदि अभावों में था तो अब आपके पास सब भोगों का भाव हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारम भी, जो दृष्ट जन्म में अनुभव करने योग्य जो कर्माशय है वो एक ही विपाक को देता है, केवल भोगों को बढ़ाएगा, वो आयु और जन्म को जाति को चेंज नहीं करेगा, भोग हेतुत्वात, क्योंकि वो भोग का ही हेतु है। द्विविपाकारम भी वा, और कह रहे हैं कभी कभी वो द्विविपाकारम भी हो जाता है, दो फल भी दे देता है। क्या क्या दे देता है? भोग भी दे देता है और आयु भी दे देता है, आयु भी बढ़ जाती है। द्विविपाकारम भी वा भोग आयु हेतुत्वात् नंदीश्वर वत नहुष्वत इति। नंदीश्वर के समान, नंदीश्वर की कहानी है कि उन्होंने खूब पुण्य किए और उनको इसी जन्म में वो मनुष्य से देवता बन गई। तो मनुष्य के भोग अलग प्रकार के होते हैं, देवताओं के अलग प्रकार के होते हैं, तो भोग भी मिल गई और देवों की आयु भी मनुष्यों से लंबी होती है, तो उसको लंबी आयु भी मिल गई, दो मिल गई उसको। और नहुष को, उन्होंने पहले खूब पुरुषार्थ करके तप करके वो स्वर्ग के भागी बने, तो उनको भोग मिला, और वहां जाकर के फिर उन्होंने घोर पाप कर दिया, तो फिर एकदम से उसकी भोग क्षीण हो गई, पुण्य क्षीण हो गई, और उसको एकदम स्वर्ग से नीचे आना पड़ा, तो उसकी आयु भी कम हो गई और भोग भी कम हो गई, दोनों कम हो गए ना। जो व्यक्ति दोष करेगा तो उससे उसकी दो चीजें नष्ट होती हैं, एक तो उसको जो भोग मिले थे, सुख साधन आदि मिले थे, वो छीन लिए जाएंगे, और दूसरा आयु भी कम होगी। भोगी व्यक्ति, आलसी प्रमादी व्यक्ति, वो कभी लंबी आयु वाला तो हो नहीं सकता है। लंबी आयु वाले ऋषि मुनि होते हैं ना, देवता होते हैं। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त नहीं करता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है, ये कभी कभी एक केवल भोग का हेतु बनता है और कभी कभी तो दो का बन जाता है। द्विविपाकारम भीवा भोग आयु, उसमें उसको भोग भी मिल जाता है, आयु भी मिल जाता है। तो ये नंदीश्वर और नहुष के समान इन्होंने उदाहरण दिए। क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिता भी वासना भी अनादि काल सम्मूर्छितम इदम चित्तम चित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भी इव आततम इत्येता अनेक भवपूर्वी का वासना। क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिता भी वासना भी, ये वासनाओं का विशेषण है। कैसी वासनाएं? निर्मित की हुई या उत्पन्न की हुई, निर्वर्तिता भी वासना भी, उत्पन्न की हुई वासनाएं मतलब वासना रूपी संस्कार। तो संस्कार दो प्रकार के हैं ना, एक तो स्थूल संस्कार हो गए, एक फिर उनका संस्कार बन जाता है वासना रूपी संस्कार। तो कहा निर्वर्तिता भी वासना भी, जो निर्मित की हैं या उत्पन्न की हुई हैं जो वासनाएं, उनके द्वारा क्लेश कर्म और विपाक का अनुभव होता है। क्लेश और कर्म फल से ही, माने जो हमारे अविद्या अज्ञान अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हैं, इन क्लेशों से हम कर्म करते हैं। वैसे वैसे अविद्या से युक्त हैं तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे? अविद्या से युक्त। हमारे संस्कार यदि राग द्वेष से युक्त हैं तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे? राग द्वेष से युक्त। तो हमारी वासनाओं के अनुसार ही हम वैसा कर्म करते हैं, उस कर्म से फिर वैसा ही फल मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा वासना भी निर्वर्तिता भी, जैसे हमारे संस्कार हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि के, उन वासना रूपी संस्कारों से उत्पन्न किए हुए जो जाति क्लेश कर्म विपाक, वो अनादि काल सम्मूर्छितम इदम चित्तम, अनादि काल से सम्मूर्छित इस चित्त को, ये हमारा चित्त अनादि काल से उन वैसे वैसे ही वासना रूपी संस्कारों से सम्मूर्छित है, उपचित है, रंगा हुआ है उससे। चित्त का अपना जो असली स्वरूप था ना,
वो तो समझ लो कहीं लुप्त ही हो गया। इस समय हमारा चित्त कैसा बना हुआ है, उसका रंग रूप कैसा है, आकार प्रकार कैसा है, चित्त कैसा है हमारा इस समय? हाँ जी स्वामी जी, इस समय हमारा चित्त है अनादिकाल से जो वासनाएं बन गई ना, उनसे रंगा हुआ है चित्त। जगत देव जी, जग रहे हो, सो रहे हो? जग रहे हो ना? अभी हमारा चित्त कैसा है? अनादिकाल से जो वासनाएं बनाई थी ना, उनसे रंगा हुआ है बिल्कुल चित्त का अपना। जैसे आपके सफेद कपड़े हैं और उसके ऊपर डॉट डॉट करने लगे, कोई काला डॉट लगाया, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा, तो उस कपड़े का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद तो दिखेगा ही नहीं, छिटछिटीला दिखेगा वो कपड़ा। भूल ही जाएंगे आप कभी कि इस कपड़े का रंग कभी सफेद भी था। तो वो हालत हो रखी है हमारे चित्त की। हमारा चित्त कभी सत्व प्रधान था, शुद्ध था, पवित्र था, ये तो लगता ही नहीं है। व्यक्ति के कर्मों से पता लगता है कि इसका चित्त जो है वो राग द्वेष अभिनिवेश अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ लालच इन सब से रंगा हुआ है, वो कर्मों से पता लगता है। तो वो हमने कैसे रंग लिया? अनेक जन्मों में वैसे वैसे कर्म किए, अविद्या आदि से युक्त होकर के ऐसा बना। तो ये कह रहे हैं अनादि काल सम्मूर्छितम इदम चित्तम चित्रीकृतम इव, चित्रीकृत है वो, रंगा हुआ है। और कैसा है ये कह रहे हैं, सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भी इव आततम। जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं ना, ऐसे हमारे चित्त में वासनाओं का जाल बिछा हुआ है, कहीं ना कहीं वो हमें फंसा ही देते हैं वो संस्कार। चित्र विचित्र हुआ हुआ है हमारा चित्त, और सर्वतः सब तरफ से मत्स्य जालम ग्रंथि भी इव, मछली के जाल की जो गांठ होती ना, एक गांठ से दूसरी गांठ को बांधा फिर वो एक पूरा नेट तैयार हो जाता है, जाल तैयार हो जाता है, ऐसे हमारा चित्र तैयार हुआ हुआ है ग्रंथियों से। मत्स्य जालम ग्रंथि भी इव आततम इति एता अनेक भव पूर्विका वासनाहा। तो ऐसी ऐसी वासनाएं हमारे पास कितनी हैं और कब कब हमने बना ली थी? अनेक भव पूर्विका, भव मतलब होता है जन्म, अनेक जन्म उसके पूर्व में इन वासनाओं की, माने अनेक अनेक जन्मों में बनाई हुई है। ये कोई आज आज की शुरुआत थोड़ी है, 20-30 साल पुराना जीवन थोड़ी है हमारा, 40-50 साल पुराना जीवन थोड़ी है। यात्रा हमारी कितनी लंबी चल रही है पीछे से, अनेक अनेक वर्षों से, अनेक भव पूर्वी का, अनेकों जन्म इसके पूर्व में है आज जो हमारे चित्त में संस्कार है। तो अब देखो हमारे सामने ये सच्चाई है हमारी और आप सब की, ये केवल पाठ नहीं पढ़ रहे हैं हम। अब हमारे सामने कितनी विकट समस्या है आप सोचो, हमारा चित्त पीछे के अनेक अनेक जन्मों की वासनाओं से चित्रित है, विचित्र विचित्र है, पता नहीं कब कौन सी प्रकट हो जाए, कहाँ फंसा दे, क्या करवा दे, और एक मछली के जाल जैसा बना हुआ है। तो कभी भी मछली फंस सकती है, मछली तो हम ही है, तो कहीं भी फंस सकते हैं हम। इतना बड़ा काम हमारे सामने है और ये आदमी कहता है कि आज सब्जी कौन सी बनी है, आज रोटी कौन सी बनी है, छुट्टी कब होगी, ये सोने की तलाश में है, ये खाने की तलाश में है, ये पहाड़ पे घूमने की तलाश में, घुमाने के लिए कब ले चलोगे जी, गंगा किनारे कब चलोगे जी, ये देखो काम करने वाला कितना बड़ा, ये कब करेंगे, यही तो जन्म है। बोल जी ये तो हम काम करते करते ही कर लेंगे, सारे काम को हम पूजा ही बना लेंगे, तरीका तो वही है। लेकिन ये बापूजी भी बोल के गए कि केवल राम के नाम से भवबंधन नहीं कटेंगे, कि राम राम का नाम जपते रहे, क्योंकि वो जप के बहुत प्रखर समर्थक हैं। लेकिन वो कहते हैं केवल राम के नाम से नहीं, राम का काम भी करना पड़ेगा।